हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सब कैसे हो? सबका बढ़िया चकाचक चल रहा होगा। मेरा भी बढ़िया चकाचक चल रहा है। तो मॉर्निंग का समय था और बारिश का तो हो ही रही है। बारिश झिम 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 वाला बारिश हो रही है। बिल्कुल भी ठंडापन नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी। और यहाँ पे ने मेरा पूजा पाठ सब हो गया और सुबह की शुरुआत अगर पूजा पाठ के साथ हो ना तो फिर इसकी तो बात ही अलग है। पूरे दिन काम करने का जो आनंद और जो सकारात्मक ऊर्जा मिलता है ना, उससे तो हम क्या बताएं, उसका तो बहुत अच्छा। और अभी के सीज़न में ना, अगर सुबह सुबह नहा लो तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, नहीं तो फिर दिन भर पूरा गर्मी, इतनी गर्मी। कहीं कहीं भगवान डुबो रहे हैं, कहीं कहीं सुखा रहे हैं। मतलब कि बारिश हो रही है, मौसम भी बना रखा है बारिश का, लेकिन वो मूसलाधार वाला बारिश नहीं हो रही है, रिमझिम वाला बारिश हो रही है। और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है। खा लीजिए, अभी ना कभी खाई दे, खाइए के बाद। तो चलिए, मेरा अब यहाँ का काम हो गया और उसके बाद अब आगे का काम देखते हैं। तो गर्मी के कारण सब लोग व्याकुल ही व्याकुल है, पशु पक्षी हो गया मेरा। सीढ़ी से चढ़ रहे तो फिर चलिए आगे का काम हम शुरू करते हैं। आज बहुत ज्यादा काम है। तो यहाँ पे मेरा नाश्ता वास्ता बन गया था और नाश्ता हम लोगों का हो भी गया था। नाश्ता के बाद फिर आप लोग आपसे मिल रहे हैं। यहाँ पे हम पानी चढ़ाए हैं और पानी में थोड़ा सा अंदाज से ही चीनी डाले हैं, मतलब करीबन रख लीजिए तो आधा पौआ चीनी डाले हैं। और यहाँ पे देखिए, सावन के महीने में सांप था थोड़ा सा, तो थोड़ा सा ही लिए क्योंकि दिख नहीं रहा था अच्छे से और नीचे जाने का हिम्मत ही नहीं हो रहा था। नीचे कौन जाता, बहुत मोटा सा वो धामन सांप होता ना, वही वाला था। तो चलिए, अब यहाँ पे हम कमरकश लिए हैं। आज का काम, आज का बहुत ज़्यादा काम है। निमी के हॉस्टल भेजने के लिए कुछ बनाना है, तो वो बहुत दिन से बोल के रखी थी कि शकरपाला बना दीजिए। तो हम सोचे चलो आज बना ही दे रहे हैं, क्योंकि आज जाने वाले हैं तो भेजना है उसी के लिए। तो बच्चों को हॉस्टल में वैसे जाते हैं तो हर माँ को ये लगता है ना कि कुछ ना कुछ बना के दे दें, तो बस वही बना रहे थे उसके लिए। तो खैर, इसको हेल्दी तो नहीं बोल सकते क्योंकि ये मैदा का बना हुआ है, लेकिन ये पूरी तरह अनहेल्दी भी नहीं है क्योंकि घर में बना रहे हैं और थोड़ा सा ध्यान रख रहे हैं। तो अभी बरसात का सीज़न है तो ये सब चीज़ में ना हो जाता है थोड़ा बहुत। कीड़ा ऐसे हुआ नहीं था लेकिन डर था, पहले का रखा हुआ था, ज़्यादा दिन नहीं हुआ था लेकिन फिर भी डर था, तो हम उसको चाल दिए। उसके बाद उसमें हम देसी घी डाल दिए तो थोड़ा तो हेल्दी हो ही गया। चलिए, तो यहाँ पे देसी घी डाल के इसको अच्छे से पहले मिला दे रहे हैं बढ़िया से। हालांकि अभी शकरपाला का सीज़न नहीं है, ये बरसात का दिन है, बरसात में पता नहीं ये जमेगा कि नहीं जमेगा, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम 100 में नहीं तो 50% तो हो ही जाएगा कम से कम। तो चलिए, अभी इसको बना ही देते हैं अच्छे से, बस बढ़िया से इसको मिला उला दिए। उसके बाद उसको रख दिए रेस्ट पे, ताकि अब उसका बाद में हाल समाचार उससे पूछेंगे, तब तक इधर तैयारी कर ले रहे हैं। कढ़ाई उड़ाई चढ़ा दे रहे हैं और चाशनी तो बन ही गया था, आप लोग देखे ही चाशनी बना लिए। और पता नहीं ये क्या है, जिस दिन थोड़ा ज़्यादा काम रहता है उस दिन गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है, लगती ही है ज़्यादा गर्मी, लेकिन काम तो करना ही है क्योंकि काम जिस दिन रहता है उस दिन सुबह से ही दिमाग में ये चलता रहता है कि इतना काम निपटाना है और इसको करना है ऐसे ऐसे। तो बस इसीलिए तैयारी तो सुबह से ही चलती है ना। और हम हाउस वाइफ जब कुछ मान लेते हैं, कुछ अपना दिमाग में सेट कर लेते हैं, तो वो काम करके ही रहते हैं, क्योंकि हम हाउस वाइफ ना, हम महिलाएं जिद्दी भी बहुत ज़्यादा होती हैं, ज़्यादातर अपने काम को लेके, नहीं ये काम करना है तो करना ही।
और यहाँ कल का वीडियो में ना एक फ्रेंड का कमेंट आया था, वो पहले भी एक बार कमेंट की थी कि आप रोज़ वीडियो अपलोड करो, रोज़ वीडियो डालो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। मेरा वीडियो ना ताज़ा ताज़ा रहता है, एकदम नया नया, मतलब कि हम आज शूट किए और आज ही एडिट करेंगे और कल आप लोग तक पहुँचा देंगे, ऐसा वीडियो रहता है, ड्यू नहीं रहता है पहले का, इसीलिए हम डेली नहीं कर पाते हैं। वैसे आप बोल रहे हो तो मैं कोशिश अपने तरफ से भरपूर करूँगी कि रोज़ वीडियो अपलोड करूँ, रोज़ वीडियो आप लोग तक पहुँचाऊँ। तो चलिए, और यहाँ पे देखिए बातें करते करते एक बैच तैयार भी हो गया, बन भी गया और बहुत अच्छा बना था और खुशबू बहुत अच्छा आ रहा था, क्योंकि देसी घी का मोयम डाले ना इसीलिए। और एक चीज़ है ना फ्रेंड्स, अगर कुछ छाने तले ना तो थोड़ा सा डालते समय गैस का फ्लेम ये मीडियम कर दें, उसके बाद फिर लो कर दें। मीडियम करने से ना ये फूलता बड़ा अच्छा है और बड़ा अच्छा छनाता है, फिर तो लो करने से अंदर तक सीज ही जाता, पक जाता। सब हो गया हमारा, अच्छे से पूरा छना भी गया, बढ़िया से हो भी गया। और अब दिखाते हैं आप लोगों को कितना सारा हुआ, देखिए इतना सारा छनाया और बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा छनाया था, मतलब कि इतना सारा हो गया ना तो अब चल जाएगा, कम से कम 15 से 20 दिन, तो 20-25 दिन चल जाएगा, 15 से 20 दिन आराम से चल जाएगा। और अब चाशनी में इसको हम डुबो दे रहे हैं, तो खैर अभी जमेगा कि नहीं पता नहीं, आज का मौसम थोड़ा सा बदरी बदरी सा किया हुआ है, लेकिन गर्मी तो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। और गर्मी में ना लग रहा था ना कि चूल्हे के पास से कब भागे, चूल्हा के पास टिकने ही नहीं दे रहा था, ऐसा वाला गर्मी था आज। ये वाला गर्मी ना बहुत ज़्यादा लगता है, ना तो ज़्यादा धूप है ना तो बारिश हो रही है। और इसका रस देखिए कितना अच्छा से तैयार हुआ है, मतलब बढ़िया से एकदम इसको मिला देंगे, आज तो वो खुश हो जाएगी, उसका मन पसंद चीज़ जा रहा है बनके ना इसीलिए। और यहाँ पे देखिए रसोई के लिए ना ये डब्बा था, ये ना इसमें ना चना था, ये वाला डब्बा में मसाला चना तो होता ना जो इसमें, मतलब वो चना लाल लाल होता है मसाला, उसमें इतना ज़्यादा वही था इसमें, तो एक में है और तीन खाली हो गए हैं, खा खा के ख़त्म कर दिए। तो ना अब इसमें ना ये मूंगफली का दाना या फिर मखाना ये सब भूनेंगे ना, सूखा सूखा ड्राई वाला चीज़ जो कि शाम को हल्का फुल्का छोटी मोटी भूख के लिए बनाते हैं रखते हैं, बस उसके लिए हम लाए थे कि इस डब्बा को अब अच्छे से किचन में सजा देंगे। और यहाँ पे हम लगे हाथ किचन को समेट भी ले रहे हैं, क्योंकि आज जो इस यहाँ इतना ज़्यादा काम हुआ ना, ये पूरा एकदम रस भर गया है किचन में, इतना ज़्यादा मैशी है ना कि क्या बताएं। अब इसको ना सोचे जब तक इसको साफ़ नहीं करेंगे तब तक चैन नहीं मिलेगा, तो लगे हाथ हम इसमें लग ही गए थे कि अब बैठेंगे नहीं, अगर बैठ गए ना तो फिर आसकत हो जाएगा, मन नहीं करेगा उठने का, होता है ना कि आलस, इतना काम करने के बाद जब थकान होता है ना तो बैठो ना तो फिर जल्दी से उठने का मन नहीं करता है बस। लेकिन हम सोचे थे नहीं अब इतना समेट के ही बैठें, ताकि मतलब मन भी निश्चिंत और शांति भी चैन भी मिले, बस इसीलिए हम लगे हाथ इसको भी धो ही लिए थे। और चूल्हा में हो गया था ना रिफाइन थोड़ा सा फैल गया था, तो बिना सर्फ का तो होता नहीं साफ, तो सर्फ हम थोड़ा सा डाल ही दिए ताकि इसका चिकना वाला हट जाए, और लगे हाथ सारा हम रगड़ ही दिए। तो लगभग अब पूरा साफ ही हो गया था, उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं फाइनल कि कैसा हुआ था, चकाचक साफ हुआ था। तो इतना साफ़ करने के बाद हमारा रसोई भी चकाचक साफ और हम भी अंदर बाहर से चकाचक हो गए थे, मतलब थक तो गए थे लेकिन बहुत सुकून मिल रहा था ये देख के, और इतना सब कुछ करके बहुत सुकून अंदर से मिला था। और यहाँ पे सारा कुछ साफ़ हम कर ही दिए थे, तो लगे हाथ थोड़ा सा खिड़की भी सोचे चलो इस पर भी हाथ फेर ही दे रहे हैं, तो खिड़की पे भी हाथ थोड़ा फेर ही दिए। उसके बाद अब रह गया लास्ट में बर्तन, तो बर्तन को भी छोड़ेंगे नहीं, बर्तन को भी साफ़ कर ही लेंगे। तो देखिए बर्तन भी सारा साफ़ ही हो गया, एक टोकरा बर्तन हो ही गया था, धीरे धीरे करके हो ही गया था, नाश्ता वाला बर्तन था, खाना वाला तो अभी हुआ नहीं था। और इसमें हम थोड़ा सा सोचे कि वो चम्मच और चाकू बाहर रखे थे ना, उसको भी हम अंदर रखते हैं कि कुछ दिन हम थोड़ा सा होता है ना कि अलग डिफरेंट थोड़ा सा करना है, अलग अलग करना है, तो बस वही अलग करने की कोशिश कर रहे थे, अपने मन को भी तसल्ली हो जाए और थोड़ा सा देखने में भी सुंदर लगे। और ये देखिए डब्बा में इसमें दोनों तरफ से ढक्कन है, जिधर से भी मन उधर से खोलिए थोड़ा सा, बस यही इसको अब रखेंगे रसोई में कुछ दिन। तो थोड़ा सा चेंजिंग लाए हैं, थोड़ा सा चम्मच और चाकू वाला वो डब्बा जो था उसको भी हटा दिए, और थोड़ा सा यहाँ पे सरिया दिए हैं, बढ़िया से सजा दिए, तो हो गया थोड़ा सा अच्छा, जितना है उतना में ही, अब ज़्यादा कहाँ से करेंगे क्या करेंगे,
जो है उसी में एडजस्टिंग हो जाता है। तो अब ये डब्बा को कुछ दिन के लिए अंदर रख दे रहे हैं। और अब चलिए आप लोग को हम दिखाते हैं अपना सावन का। और चलिए चलते चलते इसका भी हाल चाल एक बार पूछ ही लेते हैं, क्या है कि जमा है या नहीं जमा है, एक टेस्ट भी करके देख लेते हैं कि कैसा है। तो टेस्ट तो बहुत है, लाजवाब बना है, क्योंकि देसी घी पड़ा है तो लाजवाब होगा ही। और ये देखिए मेरा सावन का सावनपुरी आ गया था। तो हम लोगों के यहाँ यह परंपरा चल रहा बिहार की तरफ, बेटी को या फिर बहू को किसी को भी सावन में सावनपुरियाँ ज़रूर देते हैं। तो वही चल रहा था, वही हम पापा तो अब खरीद नहीं पाते हैं, मार्केट जाना खरीदना पॉसिबल नहीं है उन लोगों के लिए, तो पैसा ही दे देते हैं, तो खुद ही जाके हम खरीद के ले आए थे। तो इसमें साड़ी कपड़ा ज़रूरी नहीं है, बस ज़रूरी है इसमें सिंदूर बिंदी और चूड़ी बस। तो चूड़ियाँ लाए थे ये सब खरीद के, जो आप लोग को दिखा रहे हैं, चलिए आप लोग के साथ भी शेयर करना बनता। मेहंदी लाए थे और एक निमी का क्लिप लाए थे, और ये हम शैम्पू का ये जो है ना पाउच, ये लाए हैं निमी का हॉस्टल में देने के लिए, पाउच देना अच्छा रहता है। और ये देखिए ये साड़ी लाए हैं, पूरा साड़ी इस फोटो के जैसा है। तो इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं, फिर मिलते हैं कल नए वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय सी।